नमस्कार, आरएसपी से खास शख्सियत, खास बातचीत में आपका स्वागत है। मैं रोहित मिश्रा। आज अंतरराष्ट्रीय बेरोजगार दिवस युवा मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो कहीं ना कहीं सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी आज खूब देखने को मिल रहा है। आज इसको चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक अभ्यर्थी है, हमारे साथ मौजूद है सुरेंद्र मौर्या जी। इनसे बात करें, उन्होंने कई परीक्षाएं से जो क्वालिफाइड किया, लेकिन आज भी अभी भी बेरोजगार है, क्योंकि कई ऐसी वैकेंसियां जो अभी भी न्यायालय के दरवाजे में लटकी हुई है या फिर सरकार उसके जांच प्रक्रिया में लटकी हुई है, इसको लेकर चर्चा करें। सुरेंद्र जी, आपका हमारे पैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। रोहित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस हिसाब से देखा जाए, लगातार आज भी आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं, सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन किया, कई राजनीतिक विपक्षी पार्टियां उन्होंने भी प्रदर्शन किया, तो आज किस नजरिए देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये जो छात्र और नौजवानों और बेरोजगारों को जो मसला है, इसको हम देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे अलग रखना चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां मात्र छात्रों को एक वोट बैंक के रूप में देख रही हैं। तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि आप अपनी दरिया दिली छात्रों के ऊपर ना दिखाएं। छात्र 5 सितंबर से, जिस दिन शिक्षक दिवस था उस दिन से उसने ठाना है, सबसे पहले उसने 5 सितंबर शिक्षक दिवस वाले दिन उसने सबसे पहले ताली और थाली बजाई, क्योंकि जिस भाषा में सरकार समझ रही है उसी की भाषा में छात्र अब अपनी आवाज को उठा रहा है। उसके बाद 9 तारीख को दिया बाती वाला चला, और उसके बाद आज की फिर योजना, और इस जितनी भी जो कार्यक्रम जो छात्र इस समय विरोध प्रदर्शन कर रहा है, उसमें छात्रों का अपना कोई नेता नहीं है, इसमें जितना छात्र है वो स्वयं अपना नेता बनके उभर रहा है। तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आज छात्रों के समर्थन में आ रही हैं, ठीक है, वो अपना काम करें, लेकिन इस समय जो बेरोजगारी का मसला है, जो इस समय छात्रों का मसला है, जो नौजवानों का मसला है, इसका हम किसी भी प्रकार से राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। नहीं, लगातार देखा जाए, अगर आज की बात कर लें, चाहे वो कांग्रेस का यूथ विंग रहा हो, समाजवादी पार्टी का यूथ विंग रहा हो, सब विरोध कर रहे हैं, तो आपको लग नहीं रहा कि युवाओं की आड़ में वो अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं विपक्षी पार्टियां? जी जी, इसीलिए रोहित सर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आज इस समय जो युवा, मान के चलिए 16 मार्च से इस समय पूरे प्रदेश के कोचिंग संस्थाएं बंद हैं और 22 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन है, तो अगर इससे पहले की ही हम बात करें, तो जैसे अभी ट्विटर पर ट्रेंड करके नरेंद्र मोदी जी को ट्रेंड किया जा रहा था, उसमें पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो मैसेजेस किए गए थे ट्वीट के जरिए, वो एसएससी और रेलवे की परीक्षाएं कराई जाएं इसके लिए थी। उसमें छात्रों का कोई नेता नहीं था, उस समय किसी भी पार्टी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। जब ये देखा कि करोड़ों में ट्वीट किए जा रहे हैं, तब उनको ये चीज़ नज़र आई। उनको ये लगता है कि जब एक बड़े पैमाने पर कोई चीज़ की जा रही है, तब देश की राजनीतिक पार्टियां इस पे आ रही हैं, जबकि जो छात्र है, जो नौजवान है, जो बेरोजगार है, वो एक लंबे समय से मानसिक रूप से इनका शोषण का शिकार हो रहा है, और जो उसका दर्द है वो देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी समझने को तैयार नहीं है। सवाल इस समय ये है कि जितने भी एसएससी के एग्जाम है, जितने भी बैंक के एग्जाम है, वो समय से नहीं कराए जा रहे हैं। जो अभ्यर्थी इलाहाबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में अपना घर छोड़ करके रह रहे थे लॉकडाउन के दौरान, वो वापस आ गए अपने घर, और अब तो स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि सड़कों पर आप निकलिए तो लगता ही नहीं है कि कुछ है, तो वो वापस फिर से वो दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ जा रहे हैं, और वो जैसे देख रहे हैं कि 2-3 महीने वो जिस कमरे में रहे हैं उनका किराया तक नहीं माफ हुआ है। तो इस जो मानसिक स्थिति से इस समय नौजवान गुजर रहा है, जो बेरोजगार गुजर रहा है, इसकी आवाज शुरुआत से कोई नहीं उठा रहा, और जब आज युवा अपना नेता स्वयं बनना चाह रहा है, तो देश की समस्त राजनीतिक पार्टियां जो हैं, वो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हम लोगों का समर्थन करने के लिए आ रही हैं। अच्छा, ये जो एक अभी बात निकल के आ रही है कि 5 साल पहले संविदा पर ये फिर परमानेंट किया जाएगा, इसको लेके आप लोग कितना सहमत हैं? देखिए, ये तो अब बहुत आश्चर्यजनक एक बात है, और पता नहीं किस तरह से सरकार का ये रवैया है कि वो इन चीजों पर आकर के किस विचारधारा के साथ, क्या अब आज साथ में कोई सरकार का पक्ष रखने के लिए नहीं है, नहीं तो उससे ये जरूर पूछा जाता कि आखिर ये 5 साल संविदा पे रख करके वो देश में कौन सा देश प्रदेश में सुधार लाना चाहते हैं। इसका आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जगह जगह जो बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है, उसमें जो सबसे प्रमुख पॉइंट है वो यही है, अगर सरकार को लगता है कि हम 5 साल संविदा पे करके प्रदेश में किसी भी तरह का कोई सुधार कर लेते हैं, तो 5 साल के लिए ही सरकार चुनी जाती है, तो वो ऐसा करें कि सबसे पहले जो सरकार है उसी को ही संविदा पे कर दें। जब कोई विधायक सांसद चुना जा रहा है तो पहले उसको 2 साल संविदा पे रखा जाए, क्यों उसको 3 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है, उसको 50,000 पे उसका प्राइवेटाइजेशन कर दें, 50,000 में बहुत सारे युवा उनको मिल जाएंगे, 50,000 में विधायक खरीद लें, 70,000 में सांसद खरीद लें, 3-3 लाख रुपए जो बर्बाद किए जा रहे हैं, ये कम से कम ये सरकार का बचेगा।
पांच साल जो संविदा पे किया जा रहा है, जितना भी छात्र है, जितने भी नौजवान हैं, उसका ये पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। और आज तो केवल एक शुरुआत है, इसकी एक बड़े पैमाने पर योजना बनाई जा रही है। इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, रायबरेली, जितने भी छोटे छोटे तहसील तक इसका विरोध किया जाएगा। नहीं लगा, सरकार कह रही है पारदर्शिता लाने के लिए हम इस तरह की योजनाएं लाने जा रहे हैं ताकि पारदर्शिता रहे, क्योंकि कई करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए पारदर्शिता लाए और लोगों को आत्मनिर्भर बनाए। तो ये लग रहा है कदम किस तरह का आत्मनिर्भर कर रहा है? नहीं नहीं, पांच संविदा पे भर्ती करके कभी कोई आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है? आप देखते होंगे, छोटा सा उदाहरण लेते हैं रोडवेज विभाग का, वहाँ पे बहुत सारे कंडक्टर और बहुत सारे जो ड्राइवर हैं वो संविदा पे हैं, और मुझे लगता है कि हर दो तीन महीने पे किस्सा सुनाई पड़ता है कि जो कंडक्टर हैं वो हड़ताल पे चले गए हैं, जो ड्राइवर हैं वो हड़ताल पे चले गए हैं। तो संविदा पे रखने का सीधे सीधे सरकार का ये मतलब होता है कि वो संविदा पे रखते हैं 11 महीने, 11 महीने बाद जो संविदा कर्मी होता है वो ये चाहता है, वो ये मांग करने लगता है कि हमको यहाँ पर रेगुलर कर लिया जाए, नियमित कर दिया जाए, और अगर उसको नहीं किया जाता हो तो वो धरना प्रदर्शन करने लगता है। और सरकार फिर उसी के जरिए जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेकता है। वो क्या करता है, जो भी सरकार सत्ता में होती है वो धीरे धीरे उसको चुनाव, अगले चुनाव तक खींचती है, और जो विपक्ष में होता है वो ये कहता है कि हम जब हमारी पार्टी आएगी तो हम इसको जो है वो नियमित कर देंगे। तो संविदा पे अगर भर्ती की जा रही है तो निश्चित रूप से इससे देश प्रदेश पूरी तरह से पिछड़ जाएगा। नहीं, सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं, बड़े बड़े वादे हैं, 3.5 साल का कार्यकाल हो गया, सरकार ने कहा था हम रोजगार देंगे बेरोजगारों, कितना रोजगार मिला आप लोगों को? अब रोजगार मैं तो एक एक परीक्षाएं 2017 से गिना सकता हूं, चाहे वो नलकूप ऑपरेटर का रहा हो, चाहे वो दरोगा का रहा हो। सबसे पहली परीक्षा 2017 में जब सरकार बनी थी तो वो सबसे पहली परीक्षा दरोगा की हुई थी और वो पेपर लीक हो गया था। उसके बाद नलकूप ऑपरेटर का एक पेपर हुआ था, वो पेपर लीक हो गया था। उसके बाद एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था, वो उसमें नियुक्ति 2018 में, उसकी नियुक्ति नहीं हुई। 2018 में भर्ती आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती की, वो भी पूरी नहीं हो पाई। 2016 में जब ये सरकार नहीं थी, 2016 में अखिलेश यादव जी की सरकार में TGT PGT की 10,000 भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। तो अब आप देखिए, कोई एक ऐसा विभाग हो जिसमें इनकी सरकार में विज्ञापन निकाला गया हो, इन्हीं की सरकार में परीक्षा हुई हो और उसको पूरी तरह से नियुक्ति दे दी गई हो, ऐसी अभी तक कोई परीक्षा प्रदेश में नहीं हुई है। नहीं, सरकार तो कह रही है कि हम पारदर्शिता के स्वरूप, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता, हमारी सरकार में करप्शन नहीं है, हम लोग बड़ा एकदम दूध के धुले ही है, हमारी सरकार अच्छी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। जी आप देखिए, जो प्रदेश में सबसे शीर्षतम संस्था है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। जी जी जी। और एलटी ग्रेड में जो पेपर लीक हुआ था उसमें दोषी पाई गई थी वहाँ की जो सचिव थी वो अंजू कटियार, और उसमें दो संभवतः उन्हीं लोक सेवा आयोग के दो कर्मचारी और थे। तो अगर कहीं पर भ्रष्टाचार नहीं है, अगर सरकार के दावे हैं, तो वो पूरी तरह से नकेल कसती, पेपर लीक ना होता, इन्हीं के सरकार का विज्ञापन था और अंजू कटियार संभवतः अब जेल से बाहर आ गई हैं। लेकिन अब उन पे क्या कार्यवाही की जा रही है, यहाँ तक कि जो पेपर जिस प्रिंटिंग प्रेस में छपता था वहाँ के कर्मचारी दोषी पाए गए हैं, उनके ऊपर कौन सी कार्यवाही की गई है, मुझे लगता है कि इनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा लगा देना चाहिए। क्योंकि जब आप देश में शिक्षक नए बनाने जा रहे हैं या किसी भी, क्योंकि देश में सिर्फ शिक्षकों का नहीं, हर एक विभाग का अपना एक योगदान होता है, और अगर वो विद्यार्थी वहां पर नकल करके पहुंचता है तो इससे देश और समाज पीछे जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी भ्रष्टाचारी शिक्षा विभाग में हो, परिवहन विभाग में हो, रेल मंत्रालय में हो, किसी भी विभाग में हो, तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए और 6 महीने के अंदर वो पूरी तरह से जो भी उस पे केस लगे उसको पूरा किया जाना चाहिए और 6 महीने के अंदर उसको सजा सुनानी चाहिए। जिस हिसाब से विपक्षी राजनीतिक पार्टियां इसको तूल दे रहे हैं बेरोजगारी, अंतर्राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस को लेके, आज रायबरेली में भी कई ऐसे कार्यक्रम जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए गए, वो चाहे कांग्रेस का युद्ध विंग रहा हो, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से रहा हो, इस तरह पूरे देश में आज इस तरह राजनीतिक पार्टी, विपक्षी राजनीतिक पार्टियों द्वारा विरोध किया गया, उसको क्या नजरिया देते हैं आप? मैं फिर से वही बात अपनी दोहराना चाहता हूं, मैं अपने मुख से किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम लेकर के उनका फ्री फंड में प्रचार नहीं करना चाहूंगा। क्योंकि आप देखेंगे रायबरेली जिले में ही आज तमाम पार्टियों ने अपना अलग अलग किया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो जो सत्ता पक्ष है वो तो उनके जन्मदिन पर पूरी तरह से व्यस्त है, लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आज उनका ये जन्मदिन निश्चित रूप से फीका पड़ा है और वो किसी पार्टी की बदौलत नहीं, किसी भी विपक्षी पार्टी की बदौलत नहीं है, उसमें जितना बेरोजगार है, जितना छात्र है, जितने नौजवान हैं, उनकी बदौलत ये है। और जैसे
शहीद चौक पे धरना प्रदर्शन किया गया, बहुत अच्छे तरीके से किया गया, उसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी को एंट्री नहीं दी गई। आप किसी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति हैं तो आप अपनी राजनीतिक पार्टी के जरिए आपको जो करना है वो करें, लेकिन जब यहाँ पर छात्रों की बात हो रही है, जब नौजवानों की बात हो रही है, तो हम आपका श्रेय बिल्कुल नहीं लेना चाहते। आपका अपना हक है, आप अपने तरीके से जो करना चाहते हैं करें, लेकिन हमारे ऊपर यह एहसान करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। क्योंकि जब लॉकडाउन के पहले 2018 से मुझे लगता है बहुत हैरत की बात होगी, 14 अप्रैल जिस दिन अंबेडकर जयंती थी, एक वर्ष में इंटीग्रेट के रिजल्ट को लेकर के इलाहाबाद में 14 बार धरना प्रदर्शन किया गया जी जी। और उन 14 बार धरना प्रदर्शन में मात्र 3 विषयों का रिजल्ट लाया गया, ये पिछले मैं 2019 की बात बता रहा हूँ। उसके बाद अभी तक सिर्फ पेपरबाजी हो रही है, नियुक्ति नहीं दी गई। तब तक देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने या करके किसी भी विद्यार्थी का हाल नहीं जाना कि वो किस मनोदशा से गुजर रहा है। तो आज जब विद्यार्थी अब अपने आप को स्वयं लीडर मानने लगा है, तो अब वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के जरिए अपनी बात नहीं कहना चाहता, वो बस इतना ही चाहता है कि हम अपने आप में इतना सक्षम हो गए हैं कि हम अपनी बात को शीर्ष नेता तक पहुँचाने की क्षमता रखते हैं। आखिरी सवाल आपसे, एक सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? सबसे प्रमुख मांग जो ये चीज़ थी कि जो 5 साल संविदा पे बात की जा रही है, हालांकि ये अभी सरकार के द्वारा प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके अभी कैबिनेट में पास नहीं किया जा रहा, तो सरकार का पूरी तरह से इस पे स्टैंड क्या है वो शीर्ष नेतृत्व आके माननीय शिक्षा मंत्री, हर विभाग के सचिव और माननीय मुख्यमंत्री, और जब हर रविवार को मन की बात होती है तो माननीय प्रधानमंत्री इस बात पर अपना स्टैंड एकदम क्लियर करें। दूसरी चीज़, ये जो पेपरबाजी होती है रोज रोज, इसको निश्चित रूप से कम किया जाना चाहिए। जैसे जब उनको ये लगता है कि अभ्यर्थी अगले महीने धरना प्रदर्शन करेगा, तो यहाँ से एक खबर आ जाती है कि अगले महीने 5000 लेखपालों के पदों पे भर्ती शुरू, तो अभ्यर्थी सोचता कि यार अगले महीने जो है भर्ती आ रही है तो मुझे अब तैयारी में लग जाना चाहिए। उसके बाद 2017 से ये पेपरबाजी चल रही है, लेखपाल की भर्ती आज तक नहीं आई है। जो लड़के लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वो किस दिशा में जाएंगे? दूसरी चीज, 5 साल संविदा पे फिर फोकस करना चाहूँगा। अगर वो 5 साल संविदा पे करते हैं, कोई भी अभ्यर्थी मान के चलिए 2-3 साल निश्चित रूप से तैयारी में लग जाता है, अगर वो 30 वर्ष की उम्र में उसको नौकरी पाती है तो 35 साल की उम्र तक वो संविदा पे कर्मचारी रहेगा। सरकार खुद कह रही है कि आप उत्तर प्रदेश में 40 वर्ष की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं, तो अगर वो 40 उम्र तक वो फॉर्म भरेगा और जबरन रिटायर आप 50 साल पे कर रहे हैं, बिल्कुल, तो क्या आप उससे सिर्फ 10 वर्ष नौकरी कराना चाहते हैं? मतलब अपनी आधी जिंदगी 40 वर्ष तक वो तैयारी करता है, 10 साल बाद आप उसको नौकरी, 10 साल तक वो सेवा कर देगा और उसके बाद 50 साल की उम्र में आप उसको रिटायर कर देते हैं, पेंशन खत्म हो चुकी है, महंगाई का युग है, तो 10 साल की नौकरी में वो कितना कमाएगा? ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप ए तक जितने भी भर्ती हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी परिवार अपना पूरी तरह से भरण पोषण कर सकता है। मतलब अगर बात की जाए तो आप लोग जो है ये संविदा जो है 5 साल की संविदा पे संतुष्ट नहीं है कि ऐसे कानून नहीं पारित होना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर दूसरी बात की जाए तो जिस हिसाब से लगातार जो अभी तक था 60 वर्ष तक रिटायरमेंट का था, 50 वर्ष सरकार कर रही है और जबरन कुछ विभाग है, चाहे पुलिस विभाग हो चाहे स्वास्थ्य महकमा हो, एक लेट पत्र जारी होता है कि उनको जबरन रिटायरमेंट किया जाए, तो उस पे कितना आप लोग क्या नहीं, जैसे उसमें मैंने उसको उसका पूरा जीओ पढ़ा था, उसमें सरकार का एक पॉइंट था जिसपे मैं सहमत हूँ। अब सुनी सुनाई बातों पे लोगों को थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उसमें पूरी तरह से उसको पढ़ना चाहिए। सरकार का उसमें एक तर्क ये था कि जो लोग कार्य करने की स्थिति में नहीं है, मतलब मेडिकल अनफिट है, तो निश्चित रूप से अगर वो मेडिकल अनफिट है और कार्य करने की स्थिति में नहीं है तो वो निश्चित रूप से करें। अब मान के चलिए कि कोई बैंक है, बैंक में वहाँ पर क्लर्क बैठता है, कंप्यूटर पर वो काम करता है, और अगर वो कार्य करने की स्थिति में नहीं है तो ये वहाँ का बैंक मैनेजर भी देख रहा है। अगर मान लीजिए जो भी बैंक है वहाँ की शीर्ष संस्था देख रही है, वो रिकमेंड करेगी सरकार को कि ये कार्य करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो फिट है, पूरी तरह से पता चला कर्मचारी 55 वर्ष का हो रहा है, सरकार की तरफ से ये आदेश दे दिया जा रहा है कि ठीक है भैया आप जो है कल से आपको 55 वर्ष पूरे किए जाते हैं, आपको बर्खास्त कर दिया जाता है, ये कैसे? आप स्वयं सोचिए, देश के प्रधानमंत्री आज से 70 वर्ष को हो चुके हैं, ईश्वर के वो 100 वर्ष जिए, लेकिन क्या हम लोग ये करें कि नहीं भैया 70 वर्ष के पूरे हो चुके हैं, आज से हम देश का प्रधानमंत्री बदल देंगे, कल आप चुनाव करिए, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो इसलिए कि आपके लिए अपना रूल रहे और जो विद्यार्थी हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं, इनके लिए दूसरा नियम रहे, ये कतई नहीं हो सकता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर सरकार को लगता है कि
थी वो संविदा पर भर्ती करके कोई भी राष्ट्र निर्माण कर रही है तो सबसे पहले वो अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, जिला पंचायत सदस्यों को, MLC को, जिला पंचायत अध्यक्ष को, जितने भी उनकी अपनी संस्थाएं हैं वो अपने यहाँ चीजों को प्राइवेटाइजेशन करें, अपने लोगों को संविदा पर रखें, पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार की एक बात ये समझ में नहीं आती है कि जब उनके यहाँ विधायक का पद खाली होता है, सांसद का पद खाली होता है या जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका पद खाली होता है तो उनके यहाँ यह सिस्टम है कि 6 महीने के भीतर इसको भरना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और सरकारी पद खाली हो जाता है तो पता चला दसियों साल से खाली पड़ा है, वो आज तक भर्ती नहीं हो रही है। आप बैंक जाइए तो लाइन लगी हुई है, इस समय आप पोस्ट ऑफिस चले जाइए में 30 आधार कार्ड बनाते हैं, गांव से जो किसान आता है वो सुबह 7 बजे से लाइन में लगता है। तो सबसे प्रमुख चीज तो यही है कि जब आप अपने यहां 6 महीने के अंदर पूरे देश में चुनाव एक साथ करवा सकते हैं तो ये भर्ती प्रक्रिया आप निश्चित रूप से 6 महीने में करा सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि 6 महीने में नहीं हो सकता, 1 साल का आपके यहाँ कैलेंडर जारी होता है, SSC अपना 1 साल का कैलेंडर जारी करता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अपने हर 6 महीने पे या 1 साल पे अपना कैलेंडर जारी करता है, तो आप अपने उस कैलेंडर पे कम से कम अमल करिए और 1 साल के अंदर जितनी भी भर्ती प्रक्रिया है उसको निश्चित रूप से पूरा किया जाना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। साहब से सुरेंद्र जी बता भी रहे थे कि पूरे विस्तार से उन्होंने बताया सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए, क्योंकि लगातार बेरोजगार सड़कों पर उतर रहा है, लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब बेरोजगार भी सड़कों पर उतर कर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, सरकार को अब इस पर चेतना चाहिए क्योंकि लगातार लोग भी अपनी मांगे रख रहे हैं और सरकार से जो जायज मांगे रख रहे हैं सरकार को उनको मानना भी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी सरकार के कानों तक जो बेरोजगारों की आवाज है वो पहुंचती है नहीं, यह आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद।